हेलो गाइस, मेरा नाम शत्रुघ्न है। मैं ये लेसन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड पेपर्स के लिए। अगर आप यहाँ से आज जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसे पूरा देखेंगे, पूरे साल देखेंगे, तो आप प्रॉमिसली चाहे फर्स्ट टर्म हो या सेकेंड टर्म या पीरियडिक टेस्ट हो या फिर प्री बोर्ड हो या फिर कोई और मैटर, कोई और एग्ज़ाम, आप सभी में बहुत अच्छे नंबर अचीव करेंगे। ओके, क्योंकि मैं कहता नहीं करके दिखाता हूँ। तो अगर आप ये सारी वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं खुद एक टीचर हूँ और कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है इतने टाइम तक, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। हम लोग स्टडी तो करते हैं लेकिन हम स्मार्ट स्टडी नहीं करते। आप घर पे 4-5 घंटे लगातार पढ़ते होंगे कई सारे बच्चे, पर फिर भी उनके नंबर वो नहीं आ पाते जब वो चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर समझना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या हम उसका आंसर सही लिख पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या हमने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो अच्छी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है और कैसे समझना है। आप मेरी वीडियो को बीच बीच में रोक करके बार बार रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि सर की वीडियो जाया करेगी, हम उसको इस टाइम पर देखा करेंगे पर डे या हफ्ते में 3 दिन। तो इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस का जिम्मा मैंने आपका उठा लिया है, तो आई प्रॉमिस आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप बस जैसे आपको बताया जाएगा आप उसे फॉलो करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों की। कई बार बच्चों को ये लगता है कि अगर इसमें ऊपर लिखा है क्यूबा मिसाइल संकट तो इसमें क्यूबा मिसाइल संकट ही बच्चे देखने लगते हैं, कहाँ पर लिखा है क्यूबा मिसाइल संकट, क्या था क्यूबा मिसाइल संकट। दरअसल ऐसा नहीं होता। टॉपिक जो दिया रहता है उसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन उसके नीचे दी होती है। तो इस टॉपिक में हम केवल क्यूबा मिसाइल संकट की बात ही नहीं करेंगे बल्कि और भी एक्स्ट्रा चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ठीक है। तो एक्चुअली क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के पास में पड़ता है, यानी क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के पास में पड़ता है। अब क्यूबा है तो अमेरिका के पास, लेकिन उसकी दोस्ती सोवियत संघ से है जो कि क्यूबा से और अमेरिका से दोनों से बहुत दूर है। सोवियत संघ भले ही क्यूबा से और अमेरिका से बहुत दूर हो, बट फिर भी क्यूबा की सोवियत संघ से बहुत अच्छी दोस्ती है। अमेरिका इस बात से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? देखो भाई, अगर मेरी किसी से दुश्मनी है और आप उसके पास जाके बैठते हो तो मुझे ऑब्वियसली चिढ़न होगी, आपसे भी और इस इंसान से भी। ऐसे ही अमेरिका और सोवियत संघ की बहुत पुरानी दुश्मनी है, और जब भी क्यूबा जाकर के सोवियत संघ के पास बैठता था, उस सोवियत संघ से पैसा उधार लेता था, तो अमेरिका को अपनी इंसल्ट फील होती थी, जिसके चलते अमेरिका ने सोवियत संघ को कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन सोवियत संघ नहीं माना, जिसके चलते अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ साथ क्यूबा को भी धमकी दे डाली कि मैं तुम पर हमला कर दूंगा। अब क्यूबा तो छोटा तो देश था, क्यूबा डर गया, और क्यूबा का जो राष्ट्रपति था जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो, यहां पर लिखा हुआ है, देखा आपको फिदेल कास्त्रो, ठीक है। तो जो क्यूबा का राष्ट्रपति था फिदेल कास्त्रो, वो सोवियत संघ पहुंच गया। उसने सोवियत संघ जाकर के वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की जिसका नाम था निकिता खुश्रेव, देखा आपको ये लिखा है ना, निकिता खुश्रेव, ये सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। तो क्यूबा के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति से मुलाकात की, अपनी बात बताई। सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने कहा आप घर जाइए, आराम कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने अपनी सेना से कहा कि तुम सभी क्यूबा पर जाओ और वहाँ पर अपना अड्डा जमा लो। तो क्यूबा में जाकर के सोवियत संघ की सेना ने अपना अड्डा जमा लिया। ओके, क्यों जमा लिया अपना अड्डा? क्योंकि सोवियत संघ वैसे तो क्यूबा से बहुत दूर था, लेकिन अब सोवियत संघ ने बड़ी ही चालाकी से अपनी सेना क्यूबा भेज दी थी, जिससे सोवियत संघ दूर रह कर के भी क्यूबा के बहुत करीब आ गया था और अमेरिका के भी बहुत करीब आ गया था।
और अमेरिका को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्यूबा और सोवियत संघ के बीच में क्या सांठगांठ चल रही है। अमेरिका को ये बात कुछ दिन के बाद पता चली कि सोवियत संघ की सेना धीरे धीरे क्यूबा में आना शुरू हो गई है। इस बात के बारे में अमेरिका को कुछ दिन के बाद पता चला। सोवियत संघ ने केवल अपनी सेना नहीं भेजी थी, बल्कि अपनी खतरनाक मिसाइलें भी क्यूबा में भेज दी थी कि अगर अमेरिका इस बार धमकी देगा क्यूबा को, तो क्यूबा सोवियत संघ की मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका को तहस नहस कर देगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसका नाम है जॉन ऑफ कैनेडी, अमेरिकी राष्ट्रपति को ना तो ये पता था कि सेना आ चुकी है क्यूबा के अंदर सोवियत संघ की, और ना ही ये पता था कि मिसाइलें भी धीरे धीरे सोवियत संघ की क्यूबा में आ रही हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात का पता चला, तो उन्होंने फौरन अपने जंगी बेड़ों को उन्होंने फौरन अपने जंगी बेड़ों को भेज दिया समुद्र में, ताकि वो सोवियत संघ के जहाजों को रोक सकें, उनकी सेना को आने से रोक सकें, उनके मिसाइलों को आने से रोक सकें। जंगी बेड़ों का मतलब होता है पानी के जहाज, क्योंकि सोवियत संघ का जितना भी माल क्यूबा में आ रहा था, चाहे वो सेना हो फिर चाहे वो मिसाइलें हो, वो सब समुद्र के रास्ते आ रहा था। इसलिए अमेरिका ने अपनी सेना को, अपने जंगी बेड़ों को, अपने पानी के जहाज को भेज दिया समुद्र के अंदर कि इस बार अगर सोवियत संघ के जहाज आएंगे क्यूबा में जाने के लिए, तो हम उन्हें बीच में ही रोक लेंगे और उन्हें समझाएंगे कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सब गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए अमेरिका के जो जंगी बेड़े थे, उन्होंने सोवियत जहाजों को रोकने की कोशिश की। अमेरिका सोवियत संघ से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर हमारे पास में मिसाइल है तो सोवियत संघ के पास में भी मिसाइल है। बट अमेरिका इस साथ में ये तो चाहता ही चाहता था कि सोवियत संघ अपनी सेना को और अपनी मिसाइलों को, दोनों को ही क्यूबा से वापस हटा ले। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता था क्यूबा से और सोवियत संघ से, लेकिन अमेरिका बस ये चाहता था कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ले और अपनी सेना को भी हटा ले। जब ये बात अमेरिका के जंगी बेड़ों ने, यानी पानी के जहाजों में, यानी अमेरिका के पानी के जहाजों ने सोवियत संघ के पानी के जहाजों को समझाया, तो इससे संदेश सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पास पहुंचा और दोनों में काफी गर्मा गर्मी हो गई। दोनों देशों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई। यानी सिंपल सी बात है, दोनों ही बहुत बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, अब एक के कहने पर दूसरा कैसे मान जाएगा। तो दुनिया को लगने लगा कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। जब अमेरिका के जंगी बेड़े समझा रहे थे सोवियत संघ के जंगी बेड़ों को, तो ये बात दोनों के राष्ट्रपति के पास पहुंच गई थी कि वहां पे बातचीत चल रही है और दोनों ही देशों के राष्ट्रपति पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो दुनिया को लगा कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दोनों देश ये जानते थे कि हमारे पास में, दोनों के पास बहुत ज्यादा परमाणु बम है। अगर एक देश दूसरे पर अटैक करेगा, यानी अगर अमेरिका रूस पर, सोवियत संघ पर अटैक करेगा, तो सोवियत संघ भी अमेरिका पर अटैक कर सकता है। इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं होने दिया। तो जब दुनिया को ऐसा लगा ना कि युद्ध होकर के रहेगा, तो उस परिस्थिति को ही हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट का मतलब ये हुआ कि जब ये पूरी घटना हुई, सोवियत संघ का मिसाइलें भेजना क्यूबा में, अपनी सेना भेजना, अमेरिका को इस बात का पता चलना, फिर अमेरिका का रोकना सोवियत संघ को ऐसा करने से, जिस पर सोवियत संघ का गुस्से में आ जाना और लड़ाई का माहौल बन जाना, तीसरे विश्व युद्ध का माहौल बन जाना, इसी को हम जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट से। लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं था, युद्ध हुआ नहीं था, युद्ध टल गया था, ठीक है। और फिर सोवियत संघ ने अमेरिका की बात मान ली थी, और या तो सोवियत संघ के जहाजों ने अपनी गति धीमी कर ली थी, या फिर वो वापस सोवियत संघ लौट गए थे। यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने मैसेज भेज दिया था सोवियत संघ के जहाजों को कि लौट आओ, अमेरिका अगर मना कर रहा है तो, क्योंकि कई बार गुस्से में हम लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।
इसीलिए सोवियत संघ के जहाज वापस लौट आए थे और अमेरिका ने भी फिर क्यूबा को धमकी नहीं दी थी उस पर अटैक करने की, यानी क्यूबा भी सेफ हो गया था और अमेरिका भी सेफ था और सोवियत संघ भी सेफ था, और सबसे बड़ी बात दुनिया सेफ थी क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा लग रहा था अब वो नहीं हुआ था। ओके, क्योंकि बीच में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जबरदस्त युद्ध होके रहेगा और खून खराबा हो जाएगा, यानी पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध लग रहा था। पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध का मतलब क्या होता है? पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें दिन रात युद्ध चलेगा, युद्ध की घोषणा पहले ही कर दी जाएगी कि इतनी तारीख को युद्ध होने वाला है, फिर दिन रात युद्ध चलेगा, बहुत सारे मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, बहुत खून खराबा होगा, बहुत सारी लाशें गिरेंगी, इसे बोलते हैं पूर्ण रूपी या पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध। तो दुनिया को ऐसा लगा था कि युद्ध हो सकता है और अमेरिका सोवियत संघ के बीच में, जब उनके जंगी बेड़े आपस में बातचीत कर रहे थे, जब क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया ने इस चीज को नाम दिया था, तो दुनिया को ऐसा लगा था कि ऐसा होगा। लेकिन बाद में दोनों देशों ने समझ लिया था कि ये सब जो हो रहा है वो गलत है, हम दोनों ही एक दूसरे को हरा सकते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं लड़ा था, यानी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी और जो दुनिया थी वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई थी। तो ये हमने पढ़ा क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि इस टॉपिक के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट जो टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं डला हुआ है, इस टॉपिक के अंदर इसमें हम क्यूबा मिसाइल संकट के अलावा और चीज़ों के बारे में बात भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर बात की गई है, इस टॉपिक में ना बात की गई है, ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक ये कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से ही अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि उसका एक और वजह था लड़ाई होने का, और वो वजह क्या थी? दोनों की विचारधारा। ओके, क्योंकि जो विचारधारा का मतलब होता है सोच, अमेरिका की सोच सोवियत संघ की सोच से बिल्कुल अलग थी। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी देश था, वो दुनिया में लोकतंत्र फैलाना चाहता था। पूंजीवादी का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को बनाएंगे जिससे हम पैसे वाले बन जाएं, जैसे लैपटॉप का बिजनेस करना, मशीन बनाना, वॉशिंग मशीन बनाना। मतलब अमेरिका को यह मतलब नहीं था कि लोग भूखे मर रहे हैं तो मरने दो, अमेरिका अपने देश में उन कंपनियों को स्थापित करना चाहता था जो एसी, फ्रिज, कूलर ये सब चीज़ें बनाती हों और जिनकी चीज़ें महंगी बिकती हों और इससे हमें पैसा बहुत मिलता हो, इसी को बोलते हैं पूंजीवादी। तो अमेरिका अपने देश में ऐसी कंपनियां स्थापित करना चाहता था और पूरी दुनिया में ऐसी कंपनी स्थापित हो, ये अमेरिका की इच्छा थी। साथ में वो हर देश में लोकतंत्र चाहता था, यानी अमेरिका पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का सपोर्टर था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का सपोर्टर था। समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा का मतलब होता है कि देशों में ऐसी कंपनियों का खुलना या देशों में ऐसे बिजनेस का चलना जो गरीबों का ध्यान रखें, जैसे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आलू की मिले हों, किसानों का ध्यान रखा जाए, मजदूरों से सोच करके, मजदूरों की बातें सुन करके हमारे देश में संविधान बनाया जाए, हमारे देश में कानून बनाया जाए, मजदूरों से पूछ करके, ये सोचता था सोवियत संघ। इसलिए उसकी जो सोच थी वो साम्यवादी और समाजवादी थी, लेकिन अमेरिका की जो सोच थी वो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक थी, और दोनों ही ये चाहते थे कि हमारी सोच से ही पूरी दुनिया चले, जिस वजह से इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। इसी वजह से क्यूबा मिसाइल संकट भी पैदा हुआ था, क्योंकि क्यूबा जो था वो सोवियत संघ का दोस्त था और सोवियत संघ ने जो साम्यवादी और समाजवादी तरीका अपनाया हुआ था, क्यूबा ने भी वही तरीका अपनाया हुआ था, जिससे अमेरिका को बहुत चिढ़ लगती थी और अमेरिका ने इसलिए क्यूबा से लड़ाई करने का मूड बना लिया था। तो ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, क्यूबा का मिसाइल संकट जो था वो खत्म हो चुका है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर में, कि इस टॉपिक से, केवल इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है इसके अंदर, जो अगला टॉपिक है शीत युद्ध क्या है, ये हम अगली वीडियो में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके आंसर क्या क्या होंगे वो हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, समझाइए। आप वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लीजिए, एक अपना रजिस्टर प्रॉपरली बनाइए। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप मेरे सारे क्वेश्चंस उतारते हैं, जो समझाता हूँ वो करते हैं,
तो कम से कम ट्राई तो करिए आप इस चीज़ को 1-1.5 महीने तक, आप देखिए आपको फर्क पड़ेगा आपके नंबरों में और आपके स्कूल के रिजल्ट में, लेकिन लर्न तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। ओके, तो लिखा है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, समझाइए। ये 4 नंबर में पेपर में कई बार पूछा गया है CBSE की तरफ से। और ये कहाँ से पूछा गया है, देखो आपकी किताब में लिखा पड़ा है यहाँ पे, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो इन्होंने क्या करा है कि बस CBSE वालों ने ये चीज़ बीच में से उठा करके पूछ दिया कि समझाइए। ओके, तो अब इसका आंसर जो है वो कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर, तो देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्या मतलब होता है चरम बिंदु का, देखिए मैं आपको समझाता हूँ आप इसमें कैसे 4 पॉइंट लिखने वाले हैं। सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिखेंगे, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप उस चीज़ को रिपीट करके वीडियो या रोक करके लिखते भी जाइएगा साथ साथ में आंसर के तौर पर। अगर अभी टाइम नहीं मिलता है तो आप वीडियो डाउनलोड करके बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आंसर का, सीधे आंसर बोल रहा हूँ। तो आंसर में आप लिखेंगे कि क्यूबा सोवियत संघ का मित्र था और वो सोवियत संघ की साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का समर्थक था, जिसके चलते अमेरिका क्यूबा से नाराज था और इसीलिए अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण करने की उसको धमकी दी थी। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि क्यूबा ने जब यह सभी बात सोवियत संघ को बताई तो सोवियत संघ ने तुरंत ही क्यूबा में अपनी सेना को भेजना शुरू कर दिया, यानी पूरे क्यूबा को सैन्य अड्डे में तब्दील कर दिया और साथ ही अपनी मिसाइलें भी वहां पर तैनात कर दी ताकि अमेरिका अगर आगे से ऐसी कोई हरकत करे तो क्यूबा और सोवियत संघ मिल करके उसका मुंहतोड़ जवाब उसे दे पाए। तीसरा पॉइंट, जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को भेज करके सोवियत संघ के जहाजों को रोकने की और उन्हें वापस लौटाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इस वजह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया, जिस तनाव के चलते दुनिया ने इसे क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया। लेकिन दोनों ही देश अपनी शक्तियों को जानते थे, अपनी परमाणु शक्तियों को पहचानते थे। अब मैं बोल रहा हूँ फोर्थ पॉइंट, ठीक है। दोनों ही देश एक बहुत ही बड़ी परमाणु शक्ति थे जिसके चलते वो एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनके बीच में जो भी युद्ध के हालात बने थे वो सभी रुक गए और जो युद्ध होने वाला था तीसरा विश्व युद्ध होने के जो आसार बन रहे थे वो युद्ध भी नहीं हुआ। यानी क्यूबा मिसाइल संकट के बाद युद्ध जो था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वो पूरी तरह से रुक चुका था। ओके, इसीलिए हम क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कह सकते हैं। तो यह आपका पहला आंसर कंप्लीट हो चुका है जो मैंने आपको बताया है। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसे बार बार वीडियो रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं। अगर मेरी लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको अपने मन से बना करके भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध क्या होता है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, आप भरोसा रखिएगा मेरे पे। बस जब अगला टॉपिक आएगा तो मैं आपको शीत युद्ध के बारे में बता दूंगा अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है, इसके 3 पार्ट भी हैं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आता ही है, यानी पैरा के 3 क्वेश्चन आते हैं CBSE के अंदर, ठीक है। 17वां, 18वां और 19वां नंबर का जो क्वेश्चन, 19वें नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो पैराज में होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पैरा पढ़ना शुरू कर देते हैं जब पेपर में आता है क्वेश्चन, और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं इनके आंसर उसी पैरा में से ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बात, आपको सीधे क्वेश्चन देखना चाहिए पैरा का, क्योंकि पैरा के नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए हैं वो क्या हैं। अगर आपको उनका आंसर आता है तो आप डायरेक्टली लिख दें, क्योंकि बच्चों जो नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरा के उनके आंसर हूबहू कभी पैरा से मैच नहीं होते हैं। पैरा बस CBSE वाले इसलिए देते हैं ताकि बच्चा ये पहचान सके कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये किस चैप्टर से पूछे गए हैं। ओके, बिल्कुल यही
बिल्कुल यही करना है आपको पेपर में, आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको पैरा नहीं पढ़ना है। पैरा तो वो लोग पढ़ते हैं जिनको तीनों में से एक भी आंसर नहीं आता, तो वो सोचते हैं चलो यार उसमें से बना करके कुछ ना कुछ पैरा में से पैरा ही डाल देंगे हम लोग। ऐसा बच्चे कई सारे करते हैं कि पैरा डाल देंगे टीचर तो देखेगा नहीं और हमें नंबर मिल जाएंगे। लेकिन CBSE के अंदर कॉपी एक नहीं दो टीचर चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते। तो अगर आपने सही आंसर लिखा है जब तीनों पॉइंट का, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आपको घर से बहुत अच्छे से लर्न करके जाने पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर, जो जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, आप बस उसे देखते जाइएगा। तो आपको पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैरा पढ़ने की जरूरत आपको तब पड़ सकती है जब आपको इनमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा हो, क्योंकि पैरा पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट भी होता है। पैरा केवल चैप्टर का नाम और किस चैप्टर से आया है ये बताने के लिए CBSE के जरिए आपको दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्ण व्यापी रक्तरंजित युद्ध का अर्थ स्पष्ट करें। मैंने आपको अभी बताया था इस बुक के अंदर, यहाँ पर पूर्ण व्यापी रक्तरंजित युद्ध क्या होता है इसका मतलब। तो पूर्ण व्यापी रक्तरंजित युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया जाता है, एक युद्ध जो होता है उसके अंदर आपकी मिसाइलें बारूद जो भी हथियार देशों के पास होते हैं उनका पूरा इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा बहुत सारी जाने जाती हैं, बहुत सारा खून बहता है, और केवल जिन देशों के बीच में युद्ध हो रहा है उन पर ही नहीं बल्कि उनके आस पड़ोस के देशों पर भी इसका असर पड़ता है। इस प्रकार के युद्ध को हम पूर्ण व्यापी रक्तरंजित युद्ध कहते हैं। दूसरा पॉइंट, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों समझा जाता था। तो इसका आंसर आपको जो ऊपर क्वेश्चन मैंने देख रहे हैं आप लिखा हुआ था और समझाया भी था मैंने, इसके चार पॉइंट आपको आपने उतारे भी होंगे, इसी से आप बना लीजिएगा, डिट्टो दोनों सेम क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, विचारधारात्मक संघर्ष भी शीत युद्ध का एक कारण था, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। शीत युद्ध क्या था मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में यह चल रहा था। तो क्वेश्चन ये आप पूछ रहा है कि विचारधारात्मक संघर्ष भी शीत युद्ध का एक उदाहरण था, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं जो कि गलत है। पहले हमें ये बताना चाहिए कि हम सहमत हैं कि नहीं है, तो हम लिखेंगे हाँ हम सहमत हैं इस कथन से, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था और दोनों की विचारधाराएं अलग थी। सोवियत संघ साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था या उसका सपोर्टर था या सहयोगी था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सहयोगी था। ओके, तो ये आपके आंसर खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है, ये भी आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसका आंसर लिखवा देता हूँ जिससे आपके एक नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बस मेरे भरोसा रखिएगा आप। मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, काफ़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी और आप मेरी वीडियो को दो तीन बार में देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा एक ही बार में देख लें, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील हो। तो पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है, तो हम बोलेंगे अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ में मिलकर के एक गठबंधन किया था जिसे हम पश्चिमी गठबंधन के नाम से जानते हैं, और इसे ही नाटो या फिर उत्तरी अटलांटिक संधि के नाम से भी जाना जाता है। मेरी वीडियो रोक करके इसे लिख लीजिएगा प्लीज। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है। डिट्टो जो ऊपर क्वेश्चन जो था ना उसी का आंसर यही लिख देना, बिल्कुल आपका एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। सेम जो क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर पढ़ा था पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है, वही इसका आंसर है। अगला, शीत युद्ध काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा में कोई एक अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर एक स्पष्ट करना है तो आप बोल देना कि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का सपोर्टर था, यानी उसकी अगुवाई करता था उस विचारधारा की, यानी सहयोगी था, और अमेरिका जो था वो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सहयोगी था। अगला क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, आपको बता चुका हूँ मैं टॉपिक के अंदर, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको पहला टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट किसे कहते हैं, तो आप बना के आराम से लिख देंगे। अगर नहीं लिख पाए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। वैसे तो आप इसका आंसर लिख ही देंगे बच्चों, अगर आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि क्यूबा मिसाइल संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो नेताओं के नाम लिखें। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो वैसे तो उसमें तीन देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा, लेकिन जो बड़े देश थे वो दो कौन थे, एक तो अमेरिका था और एक कौन था, सोवियत संघ था। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम आप लिख देंगे अपनी बुक से देख करके, यहां पर दे रखा है ना।
अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जॉन ऑफ कैनेडी, आप लिख देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था जॉन ऑफ कैनेडी, और फिर आप लिख देंगे सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिनका नाम था निकिता खुश्रेव, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पूर्वी गठबंधन से क्या अभिप्राय है, तो इसमें हम लिखेंगे कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ एक गठबंधन किया था जिसे पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना गया, इसे वारसा संधि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वारसा संधि को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है, डिट्टो ऊपर वाला आंसर आप यहां पे लिख देना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब फिर से एक पैरा आ गया है, ओके, आप देख रहे हैं शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था बल्कि इसके साथ साथ, यानी देखो ये पैरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको ये बता देता हूं कि ये पैरा सीबीएसई वालों ने कहां से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैरा आपका यहां से दिया हुआ है, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, यही पैरा यहां पे लिखा पड़ा है जो आप इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैन्य गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला नहीं था। तो देखा आपने, उन्होंने बस पैरा उठा दिया है बीच में से ताकि वो आपको बता सकें कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर का है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना सारे चैप्टर्स लगभग एक जैसे ही लगते हैं पढ़ने में पॉलिटिकल में, इसलिए वो पैरा दे देते हैं। अब जो तीन क्वेश्चन लिखे हैं नीचे, ये हम सीधे आंसर लिख सकते हैं अगर हमें याद है, तो नहीं याद है तो फिर हम पैरा में से देख करके कुछ भी बना के लिख देंगे, तो उसमें तो किस्मत होती है कि नंबर मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप अच्छे से घर से पढ़ के जाएंगे इस टॉपिक को तो आपको पैरा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे देख करके इतना समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला, युद्ध जैसी परिस्थिति को शीत युद्ध क्यों कहा जाता है, ओके, युद्ध जैसी परिस्थिति को शीत युद्ध क्यों कहा जाता है। चलिए अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो मैं आपको इसका मीनिंग समझा ही देता हूँ कि शीत युद्ध का मीनिंग होता क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल शीत युद्ध की डेफिनेशन ही लिखनी है बच्चों, याद रखना, कई बार सीबीएसई वाले क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं और बच्चे कहीं और चले जाते हैं उसका मीनिंग समझ करके और कुछ और लिख के आ जाते हैं, फिर मेरे पास आके बोलते हैं सर हमने तो ये लिख दिया है। कई बार ऐसा हुआ है, जो मेरे बच्चे पढ़े हुए जो टॉपर्स रह चुके हैं स्कूल्स के, वो जा करके ऐसी गलती करके आते थे, तब मैं उन्हें समझाता था नहीं भाई क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था, आप कुछ और लिख के आ गए हो। तो जो क्वेश्चन है युद्ध जैसी परिस्थिति को शीत युद्ध क्यों कहते हैं, तो इसका मतलब वही है, वो आपसे बस ये पूछ रहा है कि शीत युद्ध क्या है, ओके। तो जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास सपोर्टिंग मटेरियल है, उसमें शीत युद्ध क्या है इसकी डेफिनेशन दी हुई है बाकायदा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि शीत युद्ध क्या है, अगर आपको मेरी डेफिनेशन अच्छी लगती है तो आप इसे लिख दीजिए, नंबर आपको दोनों से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था, यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था, यानी पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध यह नहीं था, बस इसमें धीरे धीरे लड़ाई होती रहती थी, आपस में बहस होती रहती थी दोनों देशों के बीच में, और कई बार युद्ध होने की परिस्थितियां बन जाती थी, होता नहीं था, युद्ध होने की परिस्थितियां बन जाती थी, इसीलिए हमने इसको शीत युद्ध का नाम दे दिया, यानी इसीलिए इस प्रकार के युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है, जो कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में काफी लंबे समय तक चला था। तो मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया है, आप वीडियो बार बार रिमाइंड करके समझ सकते हैं कि शीत युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो हुआ नहीं है, कई बार बहस होती है दोनों देशों के बीच में, युद्ध जैसा माहौल पैदा होता है, लगता है कि अब खून खराबा होके रहेगा, रक्त रंजित पूर्ण व्यापी युद्ध होके रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद तो ये जो शीत युद्ध हो भी रहा था बीच में, जो बहसबाजी चल भी रही थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, वो भी बिल्कुल रुक गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदियों में शक्ति बनाए रखने के लिए प्रत्येक महाशक्ति द्वारा किए गए एक एक सैनिक समझौते की पहचान कीजिए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं, आप लिखेंगे पहले पहला पॉइंट डाल करके इसका आंसर, ओके, आप लिखेंगे पहले कि अमेरिका ने प्रतिद्वंदियों के बीच में शक्ति बनाए रखने के लिए नाटो संगठन बनाया, जिसे पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सोवियत संघ ने प्रतिद्वंदियों में अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वारसा संधि की, जिसे पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विरोधी गुटों द्वारा अपनाई गई विचारधाराओं में अंतर स्पष्ट करें। डिट्टो जो पीछे हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन है, यानी अमेरिका ने आपका पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के विचारधारा लेके चलता था अमेरिका, और साथ में जो आपका था सोवियत संघ वो किसका समर्थक था, साम्यवादी और
समाजवादी विचारधारा का, ठीक है, समझ में आया आपका। तो इस टॉपिक से, मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, जो टॉपिक हमने अभी देखा क्यूबा मिसाइल संकट, इस टॉपिक से पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे पे भरोसा रखें, ओके। बस मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आपको थोड़ा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो के अंदर थोड़ा कैमरा की प्रॉब्लम है जो कि मैं बहुत जल्दी अरेंज कर लूँगा, इसलिए शायद मेरी वीडियो थोड़ी हिलती भी होगी। मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी भी है तो आपको लगता होगा कि सर बहुत टाइम ले लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको पढ़ के मज़ा नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, ये तो अब आप जानते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी कोई कमी रह गई है तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरी सीरीज़ पूरे साल देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की, मैं बाकी सीरीज़ भी लेके आऊँगा हिस्ट्री की और भी सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली आप 100 में से 90 प्लस कर जाएंगे। बस जैसा आपको टिप्स बताया जाएगा, मैं हर टॉपिक में अलग अलग टिप्स आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको इसमें अलग टिप्स बताए हैं, बाकी सब में अलग, और जितने भी क्वेश्चन अभी आपने ये सब देखे हैं ये सीबीएसई में आ चुके हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सीबीएसई में ना आया हो। तो आप मुझ पर भरोसा रखिए, एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें उन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, क्वेश्चंस के आंसर भी उतार लिया करिए बना बना करके, हैंड टू हैंड थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके स्कूल में यूटी होंगे, आपका फर्स्ट टर्म पेपर होगा, फाइनल पेपर होगा, तो आपको लगेगा कि यार जो कहा था सर ने वो हुआ, और हम जो नंबर अच्छे नहीं ला पाते थे क्लास में, आज हम बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, और टीचर्स भी आपकी तारीफ करेंगे। मैं अगली वीडियो लेकर के जल्दी आपके सामने आऊँगा, मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरी कोई कमी है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, और मैं आपसे फेस टू फेस मिल तो सकता नहीं जो आपको मेरे बारे में पता हो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे फ़ौरन बताइएगा डाल करके कमेंट के अंदर, जो मेरी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो मुझे बताइए, आपकी प्रॉब्लम है कि हमें इसमें समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की आपको दोबारा से। तब तक के लिए Have a nice day.